तनी मुंड पारी बना के दे भैया, माहौल जब गरम होला तब मजा आवेला बिरहा गाल में। आवो तो से निकाल दिया जाए तो इतिहास का पन्ना भी अधूरा रह जाएगा। उन जवानों के लिए कभी का इशारा है जो जवान हमारे बीच नहीं है लेकिन खूनों का कतरा इस वतन के लिए बहा गए। उन जवानों के लिए कभी का इशारा क्या है बहादुर? तरह तरह के आप लोग गजल और कव्वाली के आनंद ले ली लेकिन हरी गजल के आनंद ले। देश के प्रति जो जवान इस देश के लिए शहीद हुए हैं उनके लिए कवि का इशारा है क्या बहादुर? सर कटा नहीं है सर कटा
हमरे बिरहा कलाई लिखल कैसे बहादुर हमको और आपको जो बांटने का काम किया जा रहा है राजनीति के चमचे कुछ ऐसे हैं राजनीति की रोटियां सेकने में लग रहते हैं जब मेरा देश गुलाम था तो हम केवल एक ही नारा लगाते थे इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय लेकिन इस समय वर्तमान समय में वोट के चक्कर में हमको और आपको जो बांटने का काम किया जा रहा है केवल अपने फायदा के लिए लेकिन जो जवान हमारे बीच नहीं है खून का एक एक कतरा ही उस वतन के लिए बहा गए उन जवानों के लिए इशारा है बहादुर का अरे फिर सही तो सलाम तुझको फिर सही तो सलाम तुझको ईमान मेरा दीवा नहीं है आप लोग ध्यान देव कहानी बाकों ने समय के यही जैसे कहानी के शुरुआत हो गई बहादुर आई घर के मेन गार्जियन जेकर नाम बतावल गेल श्री राम यादव और श्री राम यादव के दुलहिन के नाम बतावल गेल लाल मुनि देवी लाल मुनि देवी से भगवान तीन को बेटा देले बड़ो श्री राम यादव किसान रहलो किसानी करस्त अपने परिवार के रोजी रोटी चलावे श्री राम यादव किसान रहलो लेकिन सोच बड़ी ऊंची है हम भले किसान बनी लेकिन किसानी करब और किसानी कही के अपने बचपन के पढ़ाई के अच्छा इंसान बनाई प्रधान जी हमरे बैठ के भी रहा सुनतनी
प्रधान जी एक रोटी कम रही चली, बढ़िया कपड़ा ना रही चली, लेकिन आज के समय में शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। पिताजी सपना सजावत हो कि बचपन के पढ़ाई के अच्छा इंसान बनाई। धीरे धीरे समय बीतत जात भाई बाबू, भगवान के शायद ही मंजूर ना रहल। छोटका बेटा भी 12 साल के रहल कि अचानक श्री राम यादव के बीमारी के वजह से मौत हो जाती है। श्री राम यादव इस दुनिया को छोड़ करके चल बसे। अब घर के सारा जिम्मेवारी मेहरारू के ऊपर हो गई, यानी लाल मुनि देवी के ऊपर। सोचा तड़ी कि जौने परिवार में समय पर भोजन निखे मिलत, बढ़िया कपड़ा निखे मिलत, ओ परिवार में हमार बचवा कहां से पढ़ के अच्छा इंसान बनी हो। लेकिन हई देखी मालिक के मर्जी, अश्वनी कुमार यादव बड़का बेटा अपने माई के हमेशा समझावल करे, माई तू चिंता मत कर, ऊपर वाला बालन सब ठीक हो जाई, पिताजी ने खन तक हम वादा करतनी कि ही गरीबी में तोहर बेटा पढ़ाई भी करी और नौकरी करी, या नौकरी करी तो कोनो ऐसन तैसन नौकरी ना, तोहर बेटा नौकरी करी तो फौज के नौकरी करी। अश्वनी कुमार यादव कैलन का बिरह में गीत बदल गई भैया, पहले के गीत में आपके गीत में कितना अंतर हो गई। पहले गीत निकले तक ओकरे अंदर पर्दा होके, ए गरी गीत गावत न सकी, आज भर ढील द ढोढ़ी के छील द पतिया नतिया पटना बा देवरा ढोढ़ी चटना बा। लेकिन हई देखी दुल्हन अपने दुल्हा के प्रति कहतिया का कहे, झुमका झुलनिया लाल एक दिन पढ़ाई के संगे संगे नौकरी भी करी, वादे जरा करके देश की हिफाजत करूंगा। 2007 में बहाली निकली है, 2007 में सीआरपीएफ की बहाली भापा मऊ इलाहाबाद में, 2007 में बहाली निकली थी, वही गए हैं जाकर के लाइन में खड़े होते हैं। मास्टर जितना कुल मोटावार का रहल सो, जितना कुल खाई खाई के देह बनौले बण सो, अरे वाह, जितना कुल फेकले बण सो,
पहले के राउंड में लगला सा हाफ है। अरे वाह, अच्छा ज्यादा आदमी थक जला मास्टर साहब, जानत कैसे करला कैसे? अरे हमारा ऐसा जो पतारका होलो सन कहल आदमी की पातर देख के परी हम त मोट देख के भगी हम पतारका जोन होलो मास्टर उ जान दे कि एकदम सखुआ के प्योर लकड़ी। अरे जितने रगर वो उतने लाइट देही। अश्वनी कुमार यादव लाइन में खड़ा बड़न जब दौड़ निकाल हल बहरिया निकलन कुलैका बतावे लगल सकी अरे यार इतना मेहनत किया हो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। अश्वनी कुमार यादव सुनलन कि हम भर्ती हो गई नी इतना खुश बड़न कि घरवा फोन लगा दिया। जब माई फोन उठवली तो ही फोने में कहत रहन कि माई तोहर लाल भर्ती हो गई। कौने हॉस्पिटल में हो बेटा? अरे तनी शुभ शुभ बोलल करे ये बचवा। शुभ शुभ बोलो यार। तोहर लाल हॉस्पिटल में ना तोहर लाल फौज में भर्ती हो गई। कौन ऐसन माई हुई कि खुश ना हुई? माई ते इतना खुश बड़ी कहत रही हे छठी माई, हे काली माई, हे बरम बाबा, हमार लाल भर्ती हो गई। तोह लोग जोड़े जोड़े नारियल चढ़ाई, इंतजार करत रही कि बेटा कब घरे आई। इतना उतान बड़ी के घोड़ी पर चले। अरे वाह, अरे वाह, अरे घोड़ी वाह, यही गोड़ी पे चले। गोड़ी का मतलब जाने लगा होला का होला भैया? गोड़ी का मतलब भाई पचंगूरा। अच्छा हम कह रहे हैं घोड़ी, घोड़ी पे चले। उतान होके चले तड़ी कि हे देवी देवता लो हमार सुन ले हलो। घरे जइया बेटा आइल अश्वनी कुमार, आरती देखाव तड़ी आ इंतजार कर तड़ी कि हमारा बेटा के कहिया ज्वाइनिंग लेटर आई। छठी माई के ऐसा कृपा भइल बिरहा सुने वाला भैया लो, जइया बेटा के ज्वाइनिंग लेटर आइल बा। एक तरफ सोचा तड़ी कि हमारे बेटा एगो माई के छोड़ के एगो माई के सेवा करे खाती चल जाई। आखिरकार माई तो माई होली ना, जहिया बेटा के विदाई कर तड़ी गुड़ दही खियाव तड़ी जतरा बनाव तड़ी आ झरझर झरझर रोव तड़ी। ए हमार लाल एगो माई के छोड़ के एगो माई के सेवा करे खाती जा तड़न ते माई के एगो बात हमेशा कठियाई ली है। रोवा तड़ी कहा तड़ी का कहली बिरहा में पुरन की गीत दिहल गिल बहादुर। मास्टर साहब कभी कभी पुरान चीज बड़ा मजा देला। जैसे में हो, जैसे में पुरान चाउर होखे। पुरान मेहरारू होखे। हाथवा निचवा करके रहा एनियो खाती ओनियो खाती आज हम बड़ा पुरान लोग थे। तो हके ना कहते हैं जाओ। अरे तनी ध्यान दलो हो ये पुरान के चौरा कामे आई। बड़ा मौके है नवका कुल जतना बान है ये मरगिल्ला हो जाए। पुरान का फरहर रहेला मुंह में अटक जाए। तो देखी अब के गीत में पहले के गीत में कितना अंतर है। स्वर्गीय रामदेव गुरु जी के जमाना के गीत कैसे बहादुर पपिया के बोलिया जहरी लागे। जहरी लागे, जहरी लागे, जहरी लागे, जहरी लागे।
लगाई लिखलन कैसे माई अपने लाल के समझावा तड़ी के लाल एगो माई के छोड़ के एगो माई के सेवा करे जा तड़न तेगो हमर बतिया हमेशा गठियाई है ले लाल रोवा तड़ी कहा तड़ी अपने लाल से का कहली की घरवा हमें सैया बनिया लाल कर्जा चुकैब ओ कमीनन के सामने कभी हाथ ना मिलैब कभी धरती माई के संगे गदारी ना करब रो रही है और माँ कहती है क्या कही मान और सम्मान तुझे बचाना है वादा करो कि कभी तिरंगे के ऊपर आंचा नहीं दोगे उन कमीनों के सामने कभी हाथ नहीं मिलाओगे वादा करता है काजीपुर का लाल और वही पहुंचता है जहां की जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है तिरंगा झंडा के नीचे खड़ा होकर के कसम खाता है कि मर जाऊंगा इस देश के लिए मिट जाऊंगा इस देश के लिए लेकिन इन कमीनों के सामने कभी मेरी गर्दन नहीं झुकेगी अश्वनी कुमार यादव के ट्रेनिंग पूरा भाई देश के सेवा करे लगलो सेवा करते करते 3 साल का समय बीता है तमाम भैया लोग बैठल बनी हमसे ज्यादा जानकार और हमारा से ज्यादा आप लोग पढ़ल बनी पेपर में पढ़ले हो कब टीवी में आप लोग देखले हो कब जब 2007 में अश्वनी कुमार यादव फार्म भरे थे ट्रेनिंग पूरा करने के बाद 3 साल ड्यूटी करते हैं और 3 साल ड्यूटी कैला के अंतराल में दुआरी पर तिलकहरू लोग खाचे लगल लो तिलकहरू बड़ा कुल तिलकहरू धावे लगल कभी नौगढ़ से आवे तो कबो हे पहाड़ में से आवे तिलकहरू तो कबो मिर्जापुर से आवे तिलकहरू तिलकहरू के कुल लाइन लगे लगल अच्छा जानते बनी जा कि अगर पेड़ पे आम होखेला तो ऊपर ढेला बड़ा चलेला टिकरो पर ज्यादा चलेला ए घड़ी के नौकरी कईला भगवान के भेंट कई बरोबर हो चाहे फौज के नौकरी होके मास्टर के नौकरी होके चपरासी के नौकरी होके नौकरी के पावल भगवान से भेंट कई बरोबर अच्छा नौकरी लागल बात तो कोनो बनावती बात ना जिला बलिया थाना ए बाबू खेजुरी बेरवार बारी के रहे वाला बलिया में एगो गांव बेरवार बारी बा वही बेरवार बारी के रहे वाला गुलाब यादव अपनी बेटी के रिश्ता लेके ही गाजीपुर में अइलो अश्वनी कुमार और अंशु के रिश्ता तय हो गई नई नवेली दुल्हन घर में आती है सास के तो जैसे बुहाई के देवी माने मास्टर साहब दुगो देवर बड़न देवरन के भाई माने कि देवर ना हमर भाई हलो इतना खुश बड़ी कि माई कबो कबो देली तो छपर फार के देली मैं लेकिन कैसने परिवार होके के चाहिए
परिवार में खुशी खुशी दिन बितावत रही। एक दो साल लाए बाबू अश्वनी कुमार यादव के घरे अंशु, आठ साल के दिन बितौली। आठ साल के अंतराल में छठी माई की कृपा से भगवान दूगो दे दिहलन। का दे दिहलन हो? दूगो दे दिहलन औलाद। लड़किया बड़ भैया, लड़किया के नाम आयशा और लड़कवा छोट बा जौना लड़कवा के नाम बतावल गई आदित्य। ए बाबू आठ साल के अंतराल में भगवान दूगो देले बलन, परिवार में बड़ा खुशी हो। लेकिन एक दिन अचानक अंशु जब अपने फौजी पति के पास फोन लगाती है तो उस फोन में कहती है, क्या बात बहादुर? गाड़ी के जमाना में देखते बनी जाए जितना कुल लइकवा बड़ा सो। अच्छा वो भले मजदूरी करो तो से चली हमरे बैठल बनी यहाँ के सोझा ना कहे के चाहिए, भले मजदूरी करो तो से लेकिन दू गो मोबाइल किन तो से काहे खाती? एगो अपना खाती आ एगो अपना लवर खाती। लवर खाती? अच्छा पहले के जमाना में कुल लइकन के लोग बाबू कही हो, ए घड़ी के जमाना में फैशन के जमाना में लड़किया अपना लवर के जाना तड़का कहत रही सर। हेलो हेलो बाबू खाना वाना खा लिए? माने अपना प्रेमी के बाबू कहत रही सर। आ लड़कवा जाना तड़का कहत रही सर। हेलो हेलो सोना, तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रहा है। कहा मिलोगी सोना? अच्छा वहीं के टावर कब धरा था? कब? जब रात के 12 बजे था वो गांव के बहरी बसवारी में। समझावा दिया लड़की कैसे? अरे हो हमर सोना, फोनवा में कहत का भी अजी हेलो साहब का कहे? अरे भगुआ में यही लगा पतिया भुलाई कि काजी सही में लोग बतावे लो कि फौजियन के दिल में, फौजियन के सीना में दिल ना होला। हमेशा तू आवे लो वादा करे लो लेकिन वादा के मुताबिक आवे लो ना। ई बताओ कि का कबो दोनों बचपन की याद ना आवेला? कबो माई की याद ना आवेला? अश्वनी कुमार यादव कहते हैं कि याद आती है, लेकिन सुनो अंशु हम ठहरे फौजी आदमी, हम फौजियों के लिए सबसे पहले देश के सेवा उसके बाद परिवार। समझाता है फौजी जवान कहता है क्या?
कांजी कबो दुल्हिया की याद ना आवेला। बिरहा सुने वाला भैया लो, हमारी कहानी वहां पहुंची है। रो रही है और कहती है कि सुनी, नारियों के लिए कहते हैं लोग कि आधा यंग की मालकिन अर्धांगनी होती है। इतना दिन हो गई आपके गैला का कबो दुल्हिन की याद ना आवेला। घरवा बूढ़ी माई बड़ी का कबो माई की याद ना आवेला। भगवान इतना सुंदर सोना ऐसा आपके औलाद देले बड़न का कबो बचपन की याद ना आवेला। अश्वनी कुमार यादव कहते हैं कि अंशु ऐसा नहीं है कि माँ की याद नहीं आती, पूरे परिवार के याद आवेला, लेकिन हम ठहरनी फौजी आदमी। हम फौजियों के लिए सबसे पहले देश के सेवा, उसके बाद परिवार। बात होते रहले बाबू तब तक ले बगल से आवाज होता है। अश्वनी कुमार यादव कहते हैं अपनी बीबी अंशु से कि अंशु फोन रखो, लग रहा है ये साले बगल वाले मानेंगे नहीं। ये साले बगल वाले दोगले होते हैं। कौन बगल वाले? बगल वाले का मतलब ए और ओ नहीं, बगल वाले का मतलब मेरा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसे हम भाई कहते हैं। ये साले अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं, हमेशा एक कमीना हमारे पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम करते हैं। फोन रखो और वक्त आ गया है ईंट का जवाब पत्थर से चुकाने का। कभी जी बैठ के भी रहा सुनत नहीं, आप जौन कहानी हमारे दिमाग में नोट हो, लेकिन आप पेपर में पढ़े होंगे कि गाजीपुर का लाल अश्वनी कुमार यादव अपने साथियों के साथ बहादुरी के पर्चे देने का काम किया था। एक नहीं दो नहीं, उस लड़ाई के मैदान में हमारे गाजीपुर के लाल सार आतंकियों को मार गिराने का काम किया था। बहादुरी के पर्चे देने वाला गाजीपुर का लाल यह साबित कर दिया कि सबसे ज्यादा पूर्वांचल के जवानों ने इस देश के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का काम किया है। ये देख के फिर दूसरे जगह ड्यूटी लगावल गई, कश्मीर के कुपवाड़ा जिला हिंदवाड़ा सेक्टर में, जहाँ की एक रोज पहले देश के 5 फौजी शहीद हुए थे। आज जब ओइजा ड्यूटी लगावल गई मास्टर साहब, तो नीचवा का खूनवा ऊपर चढ़े लगल। आ जब चढ़े लगल तो स्वर्गीय रामदेव गुरु जी के जमाना वाला गीत लग गई। आ जा रोज समझाई ला कि मीरा मूर्ति के चढ़े उतरे का आदत नहीं खे। पहला नंबर तो मीरा जल्दी चढ़े ली ना, चढ़े ली तब मीरा का उतरे का आदत नहीं खे। तो का करू मास्टर के जान ले बु का आज। मास्टर तू चिंता मत करो, खाली है ना ताकत रहो, है ना खाली ताकत रहो। अरे जब कहा तब चढ़ जे भैया। अरे मास्टर लजात कहे बड़ा तनी मैखवा में बोलता तो मजा आई। ई मेहर मऊगा ह कह तड़ा कि जब कह तब चढ़ जई। हां हमरे कहला से भैया इसने मत चढ़ जई ह। हां कोही पर चढ़ले चढ़ खून फेंक के मर जई ह। उहे आदमी चढ़ेला जे कि उतरे जाना थो खे। हां ऊ काम हम करिला। तू कितना पानी दार मर्द हो हम लिखी जाना। आओ मास्टर जी कैसे कवि जी भी हम गीत लिखलो। भैया शेर कतनो बुढ़ा जाई जब खाई तब माँ से खाई, घास ना खाई, एक दिन उपास ना करी तो शेर ना हुए शेर नी मीरा है। कैसे स्वर्गीय रामदेव गुरु जी जवानी के आलम में देखले तो ना रही लेकिन सुनले बनी, जब गाई तो बा गईसन गाई। कैसे गाई तनी बनाई क्या वो तमाशा।
अश्वनी कुमार सुनलन कि एक दिन पहले देश के पांच गो हमार फौजी शहीद भइल बाड़न। बहादुर जवान गाजीपुर का लाल जब सुना कि एक रोज पहले हमारे देश के पांच भाई फौजी शहीद हुए हैं, मरे में बैठा लिया। अब हम मानेंगे नहीं, पाई पाई का हिसाब लेंगे। बहुत हो चुका मनमानी करना, अब हम मानने वाले नहीं है। अपने साथियों को सतर्क कराता है और कहता है कि साथियों सतर्क हो जाओ, लग रहा है कमीने मानेंगे नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने लगा। आज जब आगे बढ़े लगल तो ये बोले, कैसे बोले मनी मनी और बढ़ा। चले सैलनिया लेके हथवा में संगिनिया गोली चले दना दना। बहादुर जवान आगे बढ़ते हैं, दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। आज जब वापस देश के बहादुर होने लगे तो पाकिस्तान फिर पीछे से वार करता है। आज जब वार किया तो एक जवान नहीं, दो जवान नहीं, हमारे देश के तीन फौजी जवान शहीद हुए, जिसमें गाजीपुर का लाल वीर अश्वनी कुमार यादव भी सीने में गोली खा करके वीर गति को प्राप्त कर गया। धरती लहू लुहान पड़ी है, एक फौजी जवान उठाता है और उठा करके गाजीपुर के लाल को तिरंगा में लपेट करके जब ताबूत में बंद करने लगा तो एक जवान कहता है कि सबसे पहले इसके घर सूचना दे दिया जाए। जब सूचना देने के लिए लोग चलते हैं तो कभी जी बिरहा में टेरी लिख लो। बनारस हेड ऑफिस में घटना को मजबून दिया, देश हित में वीर अश्वनी अपने तन का खून दिया। माता को जब खबर लगी बेटा यहाँ चल को छोड़ गया, बिना इजाजत कैसे वो परिवार से नाता तोड़ गया। मेरा बेटा जिंदा है क्यों झूठी खबर सुनाते हो, हे साहब बातें बंद करो, क्यों हमको दुख पहुंचाते हो। माई के जब सूचना दिया कि तोहर लाल दुनिया में नहीं खे, दुनिया के कौन ऐसा माई हुई बाबू की जब सुनी क्यों खर बेटा ये दुनिया में नहीं खे, अपने आप के रोक पाई, पैर के नीचे से जमीन खिसक गया। कहती है कि साहब ये कैसा आप बात करते रहे साहब, का हमर बेटा इतना जल्दी हिम्मत हार गई साहब, ऐसे नहीं के हो सकते साहब। अरे हमरे लाल के करेजा तो बाप के करेजा रहा साहब।
हमरे बेटावा के करे जा तो बाप के करे जा रोली साहब। अरे हमर बेटा, हमर बेटा वो कमीनन से इतना जल्दी कैसे हिम्मत हार गई, इतना कैसे हिम्मत जल्दी हार गई है साहब। कौन समझाए उस माँ को जिसका बेटा हमेशा हमेशा के लिए वीर गति को प्राप्त कर गया है। इंतजार करती है कि बेटा के लसिया कब घरे आई। आखिरकार देश के बहादुर जवान जब लसिया के लेके गाजीपुर गौवा में अलने बाबू, देखो माई के दिल के वेदना कवि जे बिरहा के अंदर लिखलन, कैसे लिखलन हम निवेदन करब बिरहा सुने वाला भैया लोग से कि मात्र 5 मिनट छेड़छाड़ बिरहा में ना होके। कैसे कहे का कहे के हर बाप के सपना होला ये बाबू, हर माई के हर बाप के सपना होला कि एक दिन हमार बेटा, हमार बेटा इतना पैसा कमाई कि हमार लाल हमरे गरीबी के दूर कर दी, हमरे जिंदगी के सहारा एक दिन बेटा हमार बनी। वही माई के सामने जब एगो जवान बेटा के सामने सुथावल गई भाई बाबू, कभी अपने शहीद बेटा के देखे तो कभी तमाम लोग जुटल बड़न हाथवा जोड़ के और रो रो के वहां लोग से को बात कहे का कहे खाई के पछारा, खाई के पछारा गिरी गई चेहरावा देखा देता, चेहरावा देख के अपने लाल के छातिया जुड़ा जाई, कहती है कि का ये बेटा ए माई के गरीबी दूर करे खातिर गैर लन, का से माई के जानकारी रही कि हमार बेटा गरीबी दूर करे खातिर जात जात बा, लेकिन हमार बेटा जिंदा ना आई तो हमार बेटा शहीद होके आई। अरे माई सूखल रोटी खाई के अपन दिन बिता लित रे बेटा, फाटल लुगरी पहन के अपन दिन काट ली, लेकिन ये तो हर माई कबो फौज के नौकरी ना करे दी। कौन समझाए कि जाने वाले कभी लवट करके नहीं आते, शहीद बेटा से रोती है और बिलक बिलक करके एक बात कहती है और क्या कही, भलाई ही तू लुटा लाई बेटा मामा रे प्रधान जी कहे आदमी की बेटी के बोझ बहुत बड़ा बोझा होला,
हम बताइला कि गरीब बानी, गरीब घर में अपने बेटी के शादी कर दे, अमीर बानी अमीर घर में शादी कर दे, लेकिन जाना तो नहीं एगो माई खाती एगो बाप खाती सबसे बड़ा दुख के दिन कौन होला, जवने बाप के सपना होला कि एक दिन बेटा जवान होके एही कानी पर एक दिन हमार अर्थी लेके जाई, वही बाप के सामने जब एगो जवान बेटा के अर्थी आवेले बाबू, तू बाप अपने आप के जियला से अच्छा मरल महसूस करेला। जितने लोग हैं सबकी आंखें गमगीन है तो कभी लिखते हैं क्या, आंसू में डूबल बाटी गाऊ वाना गारिया रे गाऊ वाना गारिया, छतिया के चीरे चीता के कैसहु तमाम लोग जुटल बड़न समझावत अड़न बुझावत अड़न, लेकिन उ बौरहिया के समझाई जेकरे संगे सात फेरा लेते समय जिए मरे के कसम खैले रहलन, खरवा में से रोवत बिलखत पकली ऐसन बौरहिया बन के आय के शहीद पति के लसिया पर गिर गई, कभी अपने टुअरन बचवन के देखे तो कभी अपने शहीद पति के देखे, आ देख के कहे कि काजी जब भी फोन करी तब ये कहीं के आई तो अपने बेटी के खिलौना लेके आई, अपने बेटी के पढ़ाई के डॉक्टर बनाई, अब तोरे बेटी के पढ़ाई के डॉक्टर बनाई, रो के कहे बिरहा के आखिरी गीत, बिटिया रानी की बिटिया रानी सहारा बनी, तमाम लोग जुटल बड़न वो समय कोरोना के बीमारी चरम सीमा पर रहल, लेकिन लोग जानो के परवाह ना कैलन, हजारों के हजार संख्या में पहुंचे हैं और अपने रियल हीरो के दर्शन करने के लिए तमाम लोगों ने जुट करके यहां साबित कर दिया कि इस दुनिया में देशभक्त से बड़ा कोई नेता नहीं होता, उठाए के जब अंतिम दास संस्कार करे खातिर लोग लेके चलन तो कभी जी हमारे बिरहा के अल्लाह तनी दूसरे भाव में लिखलन, कैसे
जात के केवल बात नहीं करत, देश सेवा में केवल यादों का ही बेटा शहीद नहीं होता है। लेकिन इतना बात आप नोट कर लेना, तमाम हमारे बीच में अधिकारी डॉक्टर और हमसे ज्यादा शिक्षित लोग बैठे हैं, किसी मंत्री और किसी विधायक का बेटा कभी फौजी नहीं बनता, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, रिक्शा चलाने वाला का बेटा फौजी बनता है, देश के सेवा करता है। चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, बरसात हो, बर्फ के चट्टानों पर जब सीमा की हिफाजत करता है, तो हमारे देश चलाने वाले नेता चैन की नींद सोते हैं। बुरा मत मानिएगा प्रधान जी, आपको भी शायद वह दिन याद होगा कि एक समय था जब हमारे देश के जवान शहीद होते थे तो उनको रैंक के हिसाब से पैसा मिला करता था, किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख, किसी को 5 लाख। घरवा माई बाबू की है काया वे खापी, खाली टोपी और बेल्ट और दिया यावे बाबू। लेकिन रोवे सबके बीच में जेकरा करो सब नेता कहे नहीं, नेता दो ही हुए जिनके आगे आप नेता लगाते हो। पहला नेता सुभाष चंद्र बोस और दूसरा नेता धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव को आप नेता कहते हो। उन्हीं के रक्षा मंत्री कार्यकाल में लागू किया गया। घरवा खाली आवे कौन सी टोपिया बेल्टवा आवे, लेकिन जब देश में पहली बार धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने देखा कि एक तरफ से चीन वाले हमला कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले हमला करते हैं, और जब जवानों से पूछा जाता है तो कहता है जवान कि नेताजी हम लोग बिना आदेश के कुछ नहीं कर सकते। उसी समय देख करके जवानों के यहां नेताजी लागू करते हैं कि जवानों एक काम करो, एक काम करो कि कमीना अगर एक गोली मारते हैं तो 5 गोली मारो, 5 गोली मारते हैं तो 10 गोली मारो। शहीद होने के बाद रैंक के हिसाब से पैसा नहीं, 1 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख नहीं, शहीद होने के बाद जवानों को 10 लाख रुपया और उनकी डेड बॉडी यानी पार्थिव शरीर उनके परिवार वालों तक पहुंचाई जाएगी। आज के समय में एगो माई अपना बेटा के छाती से लगावती है तो क्या कर दे रहा, ईमानदारी से आप लोग बोलो, अगर सही बात हो के तो एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत कर दी। एगो माई अपना बेटा के छाती से लगावती है तो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी की देन है। माँ छाती से लगा करके अपने आप को गर्वान्वित महसूस करती है कि मेरा बेटा शहीद हुआ तो क्या, देश के सेवा करते करते, एक माँ की सेवा करते करते मेरा बेटा शहीद हुआ है। मां का सिंधु उजड़ जाता है, लेकिन सात फेरा लेते समय जिन्होंने कसम खाया वो सोच रही है कि मेरा पति शहीद हुआ तो क्या, लेकिन देश के लिए मेरा पति शहीद हुआ है। विधवा बन करके जीना मंजूर है, लेकिन उन कमीनों के सामने गर्दन झुकाना औरतों के लिए मंजूर नहीं है। कहती है कि मांग के सिंदूर उजड़ गए तका, जैया हमर बेटा जवान होई, ये बेटा के भी खिया पिया के देश के सेवा करे लायक मनाई, आई अगर बेटा के भी देश खातिर कुर्बानी देवे के पड़ी ते बेटा के भी कुर्बान करे खातिर तैयार बने। ये है गाजीपुर का लाल। ए बाबू कहे आदमी रुपया पैसा धन दौलत, ए मास्टर हिंदुस्तान की नारियों के लिए सबसे बड़ा कवि जी गहना मांग का सिंदूर होता है। जब मांग का सिंदूर ही उजड़ गया तो इस दुनिया में किसके सहारे जिएगी, अपने अपने बच्चों को लेकर के इस दुनिया में कहां भटकेगी। तमाम लोग जब मुख अग्निदान देके घरे अलंत रोवत या सहानुभूति जतावल जाई हमारे सैया के संगे, 10-20 लाख रुपया मिली लेकिन हमके मंजूर ना है, हमारे पति खाती देवे के बाद सरकार से अपील करती है, कहती है का कहती है विधवा बाबू, अरे
के हाला अरे माटी जीवन फिर से हीरा मोतिया बनी तो जहिया पड़ी से दस चढ़िया धसन दिया बनी आदमी चला जाता है कृति अमर होती है जब हमार शुरुआत रहल स्वर्गीय बेचन गुरुजी उसी वक्त आखिरी सांसें ले रहे थे जब मेरी पहली शुरुआत थी बिरहा जगत में उन्होंने हमेशा यही शब्द का प्रयोग किया करते थे कि आदमी चला जाता है कृति अमर होती है सावन गुजर जाने की बात चल की कदर होती है उन वीरों को चरणों में हमारे तरफ से श्रद्धा सुमन आखिरी बंद में इशारा है बहादुर गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरुकारी अरे स्वरत चंद्र का प्यारा लाल के कलम से आंसू आई नहाई कबले खून में देसवा अरे मीरा गया कभी सर कबले भाव चढ़ाई